वेलकम टू फ्लेवर्स विद शर्मीन। आज के वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ होममेड रसमलाई क्रश की रेसिपी। सारे इंग्रेडिएंट्स हमें अपने किचन से मिल जाएंगे, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के मैं इसे बना रही हूं। आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बनाना। रसमलाई एसेंस बनाने के लिए हमें चाहिए काजू और बादाम। यहाँ पे मैंने 35 काजू लिए थे और उन्हें 5 से 6 घंटे के लिए सोक करके रख दिया था। साथ ही साथ मैंने लिए थे 35 यानी कि 35 बादाम, उन्हें भी पानी में सोक करके रख दिया था और फिर उसका छिलका उतार दिया है। रसमलाई क्रश बनाने के लिए हमें बादाम का छिलका उतार के यूज़ करना है। इसके साथ ही हमें चाहिए 1/2 टीस्पून केसर, इसे हम सोक करके रखेंगे 1 टेबल स्पून गर्म पानी डाल के, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब काजू और बादाम हमें पीसने हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ग्राइंडिंग जार, ऐड कर देंगे काजू बादाम, साथ ही ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। यहाँ पे टोटल इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ml पानी। यहाँ पे मैं 50 ml अराउंड पानी ऐड करूँगी और इसे बहुत ही फाइन पेस्ट में पीस लूँगी। काजू और बादाम का फाइन पेस्ट हमने बना लिया, इसे एक पैन पर निकाल लेंगे। इसी पैन में हमें रसमलाई क्रश को कुक करना है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और सारा निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दिया है, हीट को हमें मीडियम टू हाई रखना है और क्रश को कुक करेंगे। कंटिन्यू स्टर करते हुए हमें इसे कुक करना है ताकि काजू और बादाम का पेस्ट हमने इसमें ऐड किया है वो चिपके नहीं। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 200 ग्राम शक्कर। मिक्स करते हुए हमें इसे कुक कर लेना है। मार्केट में जो रसमलाई क्रश मिलता है उसमें काजू और बादाम की तरह की जगह पे बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं, हम यहाँ पे कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं कर रहे। मिक्स करते जाएंगे और इसे कुक करेंगे। 3 मिनट तक हमने इसे कुक कर लिया, शुगर अब डिजॉल्व हो गई है। अब इसमें ऐड कर देंगे पानी में भीगा हुआ केसर, मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम और पिस्ता। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से जितनी चाहे ऐड कर सकते हो। साथ ही फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर यानी छोटी इलायची का पाउडर। और अब हम इसे लो हीट पे 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। ज़्यादा थिक हमें इसे नहीं करना है, हल्का सा चिकना होने तक हम इसे पकाएंगे। कोई एक तार या दो तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है, हल्का सा गाढ़ा हमें इसे करना है। 5 मिनट तक रसमलाई क्रश को मैंने कुक कर लिया, देख सकते हैं आप इसकी थिकनेस, ये अब रेडी है। इसमें मैंने कोई कलर या प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया है, कलर जो है ज़ाफ़रान ने खुद ही अपना कलर रिलीज़ किया है। अगर आप चाहो तो 1 से 2 ड्रॉप येलो फूड कलर डाल सकते हो, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहो तो इसमें रसमलाई एसेंस भी ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ पे इसे नेचुरल रखूँगी। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें, रसमलाई एसेंस हालांकि मेरे पास है लेकिन मैं ऐड नहीं करूँगी। अब फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे 1/8 टीस्पून सिट्रिक एसिड, इससे हमारे क्रश में क्रिस्टल्स भी नहीं बनेंगे और ये हमारे क्रश को प्रिजर्व भी करेगा। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक बोल में निकाल के ठंडा कर लेंगे। रसमलाई क्रश को यहाँ पे मैंने बोल में खाली कर लिया, ये अब अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। आप इसे स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो 6 महीने तक, और जैसे भी चाहे यूज़ करें, डेजर्ट बनाएं या फिर बेकिंग में यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें।